हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जो कि मैं लाया हूँ आप सभी के लिए। तो आज का जो वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए हैं जो यूट्यूब में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, यूट्यूब में कोई भी वीडियो बनाने के लिए हर किसी को एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है, हमें भी है, हम बाकी लोगों को भी है। तो हम जो नए यूट्यूबर हैं ये सोचते हैं कि चलो हमें एक कौन सा ट्राइपॉड लेना चाहिए जो कि हमारे बजट में भी हो और हमें ज़्यादा महंगा भी नहीं लेना पड़े। तो आज का जो वीडियो है उसी टॉपिक के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमें और क्या इम्प्रूव करना है और क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो पे। आज का जो वीडियो है वो मैंने एक फ्लिपकार्ट से एक ट्राइपॉड मंगाया है जो कि ये रहा वो ट्राइपॉड। अब ये बॉक्स के अंदर कौन सा ट्राइपॉड है, क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक नाइफ ले लिया है जिसे कट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कट करके। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ अनबॉक्सिंग करने में, फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये हमने खोल लिया है और ये देख सकते हैं कि हमारा वाव, ये फ्रेंड्स डिजिटेक का पोर्टेबल मिनी ट्राइपॉड है विथ 3 लेग बेस है। और ये जो मॉडल मैंने मंगाया है वो है फ्रेंड्स DTR 200 MT। तो आइए, ये हमारा ट्राइपॉड निकल रहा है। तो इसके साथ ये कुछ भी नहीं है, खाली है, इसको साइड में फेंक देते हैं। हाँ, इसके साथ उन्होंने मेरा बिल दिया हुआ है, ये जो मैंने मंगाया हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कॉस्ट जो पड़ा है मेरे को 439 का कॉस्ट पड़ा है मेरे को फ्लिपकार्ट से। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, इसे मैं निकाल लेता हूँ। ओके, तो इसमें मैं बता दूँ कि क्या क्या है, पहले इसे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका इसका जो फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बॉल हेड विथ 1x4 इंच इसको कनेक्टर इसमें मिलता है। दूसरा जो है पुश बटन विथ 5 सेगमेंट का है। 2 सेक्शन है इसका जिसमें आप इसका लेग लिफ्ट कर सकते हैं। एंटी स्किड रबर फिट है और 3 लेग बेस का है। और इसका जो मैक्सिमम लोड जो ये संभाल सकता है वो है 1 kg का। मैक्सिमम ऑपरेटिंग हाइट जो है वो 200 मीटर तक का है जो कि आपका 7.87 इंच का आता है। मिनिमम ऑपरेटिंग हाइट जो है इसका 130 mm है जो कि 5.11 इंच का है। फोल्डिंग हाइट है 215 mm जो कि है 8.46 इंच का। वेट जो काफ़ी लाइट वेट है, एकदम हल्का है, 141 ग्राम्स का है। और सेक्शन इसके 2 सेक्शन हैं। तो पहले निकालते हैं इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी मज़ेदार है, वाह। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा मिनी ट्राइपॉड है। तो ये एक ट्राइपॉड है और इसमें वाह, ये मोबाइल केस होल्डर है जिसमें आप मोबाइल इजीली आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये डब्बे को साइड में रखते हैं, अभी फ़िलहाल ये मोबाइल होल्डर को हम साइड में रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका, ये निकालते हैं हमारा ट्राइपॉड। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरा तो क्या है कि जो मेरा मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था और मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए इस पर हम देखें। तो ये देखिए, ये ट्राइपॉड 3 लेग्स का है, 1 2 3, काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेंथ है, प्लास्टिक का क्वालिटी है, वाह। ये इसमें आप जो मैं बोल रहा था इसको आप ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। ये रबर पैड दिया हुआ है इन लोगों ने, जो ट्रेसरी है इसमें आप अपना ये माउंट करके इसको रोटेट कर सकते हैं एनी डिग्री में। इसमें काफ़ी आपको 2 से 3 सेट का रोट्री दिया हुआ है जिसे आप घुमा सकते हैं। और ये ब्लॉगिंग करने के लिए भी काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी मज़ेदार है ये। तो फ्रेंड्स, इसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं, ये आप
अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो इजीली आप अपना हाथ में ले सकते हैं। और ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है डिजिटेक का, ये ब्रांडिंग है, काफ़ी नामी है ये। तो फ्रेंड्स, इसका जो लेग है आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बटन दिया हुआ है ये पुश बटन है, इसको आप ऐसे प्रेस करके ऊपर में इसको ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें इसके बारे में मैं खास क्या बताऊँ, मैं देखने में काफ़ी लाइट लग रहा है, काफ़ी ईजी है, आप कहीं पर भी इसको लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो माउंटिंग का दिया हुआ है, ये जो मोबाइल माउंटिंग है, आइए इसको इसमें हम फिट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। मोबाइल का दिया हुआ है, ये आपका एडजस्टेबल है, जो कि मोबाइल का हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। इसमें आपको दो थ्रेड दिया हुआ है, एक लैंडस्केप के लिए, एक पोर्टेबल के लिए, तो आप कैसे भी कर सकते हो। 1/4 का इसका थ्रेड साइज रहता है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली इसको ऐसे लेकर ये आप पैक कर देते हैं और इसको आप जिधर चाहें उधर रख सकते हैं। इस टाइप में भी आप इसको रख सकते हैं, जिसको पोर्टेबल लेना है, लैंडस्केप में लेना है तो ऐसे कर सकते हैं रोटेट करके। उसके बाद इसको अगर ये लॉक के लिए है, इसको यूज़ कीजिए, इसको स्ट्रेट में रखना चाहते हैं तो स्ट्रेट में रख सकते हैं, जिस एंगल में भी रखना चाहते हैं उस एंगल में भी आप रख सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरे पास ये ट्राइपॉड आ चुका है, मैं आराम से आपके सामने वीडियो कर सकता हूँ। मैंने एक और चीज़ मंगाया हुआ है, उसका वीडियो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्राइपॉड का, अगर आप किसी को भी ये ट्राइपॉड लेना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से विजिट करके आप इसके बारे में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, इसको अगर पॉइंटिंग करना है तो दो पॉइंट में इसको ले सकते हैं, लॉकिंग का है आराम से, एवरी रोटेशन में आप ले सकते हैं, एकदम फ्लैट में भी ले सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसको अगर ये जो है ये पार्ट है, इसको रोटेट करते हैं तो आपका दो साइड में ये छोटे में टोटली फ्लैट अगर करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, इसको आपका रोटेट कीजिए, ये टोटली फ्लैट में आ जाएगा, ये देखिए काफ़ी फ्लैट पोजीशन में बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, जो कि ट्राइपॉड के ऊपर था, जो कि मैंने नया हुआ था। तो मिलते हैं अब अपने अगले आने वाले वीडियो में, बाय।